शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी इंसान सदका और खैरात मतलब हर चीज में एक बार चढ़ के हिस्सा लेता है, पर वो नमाज नहीं पढ़ता है, क्या उसके सदका खैरात मतलब कबूल कबूल होगा शेख? जी जज़ाकअल्लाह खैर भाई, आपके सवालात वाज़े हैं हमारे को। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी जी शेख, भाई का सवाल बेसिकली ये है कि कोई आदमी बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या उसका सदका कबूल होगा? या इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि दूसरे जो सारे अमाल करता है, चाहे रोजा रखता है या हज करता है या जो दूसरी इबादतें करता है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो उसकी दूसरी इबादतें काबिले कबूल हैं? देखिए, उलमा की एक बड़ी जमात ने कहा है कि जो तारिके सलात है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी काफिर है। बहुत सारे उलमा का ये मानना है और उनके पास बहुत कवी अदिल्ला हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाला आदमी जो है काफिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और कुफार के दरमियान जो चीज फर्क करने वाली है वो नमाज है। इस तरह की बहुत सारी दलीलें हैं जिनसे इस्तदलाल करते हुए बहुत सारे उलमा ने तारिके सलात को काफिर माना है। लेकिन वहीं पर उलमा की एक जमात ऐसी भी है जिन्होंने कहा है कि ये कुफरिया अमल तो है, उसका ईमान नाकिस हो जाता है, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा। उनकी भी अपनी दलीलें हैं। तो यहां पर मैं आम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि नमाज छोड़ना ये एक इतना बड़ा जुर्म है जिसकी बुनियाद पर उलमा में इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि वो काफिर है कि नहीं। अब इससे आप इसकी खतूरत का और इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर वो कौल मान लिया जाए कि तारिके सलात काफिर है, तो काफिर होने का मतलब ये हुआ कि उसकी दूसरी कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं है, चाहे वो सदका करे, खैरात करे, हज करे और जितनी भी इबादतें करता है, अगर उसको तारिके सलात को काफिर मान लिया जाए तो हम यहां पर एक दरमियानी मौकिफ जिक्र करते हैं अपने नाजरीन के लिए कि जो मसला इतना गंभीर है, आप उसमें वाकई क्यों हो? आप मान लीजिए कि अगर आप नमाज छोड़ रहे हैं और आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, तो आपके बाकी सारे आमाल अकारत हैं, काबिले कबूल नहीं होंगे वो, तो आप इसने इतने गंभीर मसले में वाकई क्यों हो जिसके वजह से आपका ईमान और आपका दीन ही खतरे में पड़ जाए? तो नमाज की अहमियत को समझें और ये समझें कि तारिके सलात काफिर भी हो सकता है, बाज उलमा का जैसा कि बाज नहीं बल्कि बहुत सारे उलमा का जैसा कहना है। तो अगर कोई आदमी इसका इर्तिकाब कर रहा है तो वो इससे बचे और ये समझे कि उसका दीन और ईमान खतरे में है। जी शेख, दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल भाई का ये है कि कोई आदमी, किसी के पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे वो कुरान भी सुनता है और उस पे वो गलत चीजें भी देखता है, तो क्या उसका ऐसा करना सही है? देखिए, अगर वो मोबाइल में कुरान पढ़ता है या कुरान सुनता है या तकरीरें सुनता है, दीन की बातें सीखता है, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है मोबाइल का। इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तो इस पर उसे अजर मिलेगा और जो गलत काम वो करता है उस पर उसे गुनाह मिलेगा और उसे इसे तौबा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो उसी मोबाइल पर नेक काम भी करता है और उसी पर गुनाह का काम भी करता है तो जो उसका नेक काम है वो कबूल नहीं होगा। जो नेक जी काम करता है उस पर इंशाल्लाह उसे अजर मिलेगा, जो गुनाह का काम करता है उससे उसे तौबा करना चाहिए, उस पर उसे गुनाह मिलेगा। जी